शराब घोटाला मामले में जमानत मिलने के बाद मनीष सिसोदिया शुक्रवार शाम जेल से बाहर आए। तिहाड़ में बंद दिल्ली के पूर्व सीएम मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को बड़ी राहत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। मनीष सिसोदिया जेल से छूटते ही अपने परिवार के साथ वक्त बिताते नजर आए हैं। मनीष सिसोदिया ने अपनी इस खुशी को पोस्ट के जरिए साझा किया, जिसमें वो बच्चों के साथ समय बिताते नजर आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने जेल से छूटने के दूसरे दिन ट्वीट करके आजादी की खुशी व्यक्त की है। इससे पहले भी मनीष ने एक ट्वीट किया था, जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ नजर आ रहे थे। ट्वीट कर मनीष ने लिखा, आजादी की सुबह की पहली चाय 17 महीने बाद, वो आजादी जो संविधान ने हम सब भारतीयों को जीने के अधिकार की गारंटी के रूप में दी है, वो आजादी जो ईश्वर ने हमें सबके साथ खुली हवा में सांस लेने की दी है। दरअसल मनीष सिसोदिया 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे। कथित शराब घोटाले में ट्रायल शुरू होने में देरी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में सिसोदिया को जमानत दे दी। आप कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जेल के बाहर जमा होकर सिसोदिया के रिहा होने का जश्न मनाते दिखे थे। रिहाई के वक्त मनीष सिसोदिया के साथ आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी नजर आए। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सिसोदिया ने कहा कि वो बाबा साहेब के संविधान की बदौलत जेल से बाहर आ पाए हैं और आधार पर केजरीवाल भी जल्दी छूटेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।